मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो रक्षाबंधन का पर्व अवसर होता है उस पर जो है यूपी वालों के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, कोरोना संकट चल रहा है उसे देखते हुए और रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है जो बहन भाई का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, और इसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो है 29 जुलाई से बसों का परिवहन को 5000 बसों का जो है आदेश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द जो है 29 जुलाई से जो है 5000 बस जो रोड पर चलाई जाए, जिससे जो बहन भाई जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं उसे देखते हुए जो है जो त्यौहार आ रहा है उसमें कोई संकट ना आए, उसे कोई बहन भाई को जो है प्रॉब्लम ना आए, उसे देखते हुए जो है 5000 बसें चलाई जा रही है। उससे पहले जो है जितनी भी बसें हैं उनको सभी को सैनिटाइजर किया जा रहा है, जिससे जो कोरोना संकट चल रहा है, जिससे कोई बीमारी ना फैले, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसे देखते हुए जो है सभी बसों को सैनिटाइजर 5000 बसों को सैनिटाइजर किया गया है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। दूसरा, जो उन्होंने बोला है कि जितनी भी जो रक्षाबंधन के अवसर पर जो भी बहन भाई एक दूसरे से मिलने के लिए कहीं भी जा रहे हैं और राखी बांधने के लिए वो कहीं दूर है, तो अगर वो आ रहे हैं घर को, तो उसके लिए जो है अगर कोई भी व्यक्ति बस में खड़ा पाया गया तो जो कंडक्टर है उसको सस्पेंड और उसको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए ये सारे आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं, और आज 29 जुलाई है, 29 जुलाई से जो है 5000 बसें जो है रोड पर दौड़नी शुरू कर दी गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी रक्षाबंधन के आसपास जो भी दूर है और घर पर नहीं है, अपने बहन के पास जाना चाहते हैं या बहन भाई के पास आना चाहती है, तो उसके लिए देखते हुए आपको सैनिटाइजर अपने पास रखें। दूसरी बात, मास्क का प्रयोग करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने भाई का भी ख्याल रखें और सभी समाज के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि आज संकट बीमारी चल रही है जो कोरोना वायरस है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।